प्रातः क्लास चल रहा था 10/7/1967 सोमवार को। तीसरे पेज की मध्यांत में बात चल रही थी जो राज्य तुमने घुमाया है अभी फिर से प्राप्त करना है, और ये तुम बच्चों को पहचान मिली। अरे वाह, हम तो बहुत ही ऊंचे मालिक थे, तुम बच्चों को आगे मालूम था क्या कि तुम बच्चों को हम सूर्यवंशी देवी देवता थे तो फिर से बनेंगे। बाप ने आकर बताया, अभी निश्चय कराया ना। अभी हर एक बच्चा कहते हैं हाँ बरोबर हम आगे देवी देवता थे। कितने कहते हैं कि हम आगे भी सूर्यवंशी लक्ष्मी व नारायण थे फिर बनेंगे। ये मुरारी भी कहते हैं ना, हम श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो ये भी तो उनकी बुद्धि में आता है ना कि हम कल पहले भी लक्ष्मी नारायण थे फिर से बनेंगे। क्यों क्यों कहते हैं, क्यों कहते थे? क्योंकि यहाँ तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो सच्चे सच्चे बाप के द्वारा। तो सच्चा बाप आकर के सच्चे सत्य युग स्थापन करते हैं। सच्चे सच्चे हम सत्य नारायण बनेंगे। कहते हैं कि हम नरसे नारायण कैसे बने, वो तो तुम अभी समझते हो ना। भक्ति मार्ग में तो वो झूठ सुनते थे कथा, अभी बाबा आकर के हमको राजयोग सिखलाते हैं और कायदे से सिखलाते हैं। वो तो सुनाते रहते थे कथा, वो राज की बातें थोड़ी बतलाते थे। भक्ति मार्ग में ऐसे ही चलता है। 10/7/1967 की वाणी का चौथा पेज। अभी तुम बच्चे जानते हो कि सामने ये लक्ष्मी नारायण खड़े हैं और हमको तो बाप टीचर सदगुरु मिला है। तो दुनिया में तो कोई मनुष्य को बाप टीचर गुरु नहीं कहा जा सकता। भक्ति मार्ग में सिर्फ पढ़ाइयां पढ़ाते हैं, पुरानी अखानियां सुनावेंगे। अखानियां सुनाते हैं ना एक दो को, बुढ़िया बुढ़ियां होती है ना ये माइया पुरानी बुढ़ी। वो बुढ़िया दादी अम्मा बच्चों को बैठ करके पुरानी पुरानी अखानियां सुनाती है ना, गोद में सुनाई लेती है। तो बच्चे कहते हैं नानी अब हमको अखानी तो सुनाओ,
तो हमको तुम्हारी की गोद में नींद आ जाएगी। तो वो आखानी सुनाती है नींद कराने के लिए। अच्छा, तुम बच्चों को भी ये बाप आखानी सुनाते हैं कि बिल्कुल ही तुम 21 जन्म के लिए विश्राम पावेंगे। वहां कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, राज करने के लिए भी कोई मेहनत नहीं। तो ये हुई आखानी। ये वेद के माँ बाप है ना, तो बच्चे कहते हैं माता पिता हमको ऐसी आखानी सुनाओ। जो हम 21 जन्म के लिए बिल्कुल ही जैसे कि स्वर्ग में आराम से रहें। तो देखो तुम बच्चों को, बच्चे और बच्चियों को माता पिता सुनाते हैं ना, आखानी सुना रही है बड़े आराम से अच्छी अच्छी तरह से। तो तुम पवित्र बन करके पवित्र दुनिया में जाएंगे। पवित्र दुनिया में जाने के लिए पवित्र तो बनना पड़ेगा ना। तो फिर जो कहेंगे सो मानेंगे ना। तो जो बाबा कहते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। और बाबा कोई बुरी बात तो नहीं कहते हैं, नहीं, सिर्फ इतना ही तो बोलते हैं बच्चे अपन को आत्मा समझो। ये सच सच समझते हैं तो बहुत राइट बात है। हम बरोबर आधा कल्पीय ड्रामा के प्लान अनुसार हम रावण के राज्य में आधा कल्प देह अभिमानियों कर रहे। स्वर्ग में आत्माभिमानी होके रहे, ऐसे क्यों हुआ अंतर? बाप आकर के आत्माभिमानी बनाते हैं तो हम आधा कल्प आत्माभिमानी रहते हैं। तो देहधारी धर्मगुरु आते हैं तो उनके संग के रंग से देह अभिमानी बन जाते हैं। और अभी ये बाप तो सिर्फ एक ही बार आते हैं, वो धर्म पिता तो एक के बाद एक आते रहते हैं। वेद का बाप है तो ये जो सीन चलती है ना ड्रामा में, ये नई दुनिया को पुरानी दुनिया को बदल करके नई दुनिया बनाना, वो तो समझते हैं कि स्वर्ग कोई ऊपर है और राक्षस कोई पाताल में रहते हैं, नरक में रहते हैं। अरे नहीं, दुनिया तो एक ही है ना बच्चे, यही दुनिया नई नई सो फिर पुरानी बनती है। और दुनिया कोई दो तो नहीं होती है ना बच्चे, तो ये एक ही दुनिया है, जो दुनिया पुरानी भी फिर नई भी बनेगी। पुरानी कौन बनाते हैं, नई कौन बनाते हैं? और धर्म पिताएं आते हैं विधर्मी, वो पुरानी दुनिया बना देते हैं और बाप आकर के नई दुनिया बनाते हैं।
दुनिया वो ही है, यही दुनिया जिसमें यही भारत है। स्वर्ग में भी यही भारत था, अभी नरक में भी यही भारत है। स्वर्ग में सारा भारत स्वर्ग था और अभी नरक में सारा भारत नरक। तो अभी जानते हो कि नई दुनिया में नया भारत होगा है? और हम क्या हुआ कि बाप आकर के नई नई बातें सुनाते हैं ना, तो फिर नई दुनिया में नई बातें तुम सुनते हो तो देवी देवताएं बन जाते हो। द्वापर कलयुग में तो वो शास्त्रों की पुरानी बातें सुनाते रहते हैं, सुनाते हैं क्या गीता का भगवान कृष्ण, सब उल्टी उल्टी बातें। और तुम ये भी जानते हो कि नई दुनिया में तुम्हारी कैपिटल कहाँ होगी? यही जमुना का कंठ, उसको फिर परिस्थान कहते हैं। परिस्थान, पूरे स्वर्ग को परिस्थान कहते हैं क्या है? कि बाप ने जो नई दुनिया स्थापन की उसको परिस्थान कहते हैं। नई दुनिया तो 21 जन्म चलती है ना, तो 21 जन्म में परिस्थान रहती है क्या है? रहती है। अरे नहीं, ये ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली परियों का स्थान तो यहाँ बनता है जब बाप आते हैं, फिर वहां कोई परिस्थान थोड़े ही कहेंगे। स्वर्ग तो है, सुखी तो रहेंगे, वहां कोई ज्ञानी हो के पंखों से उड़ेंगे थोड़े ही। यहाँ तो बाप आकर परिस्थान कहो वैकुंठ कहो स्थापन करते हैं। तो परिस्थान वहां कहा जाता है जहाँ ज्ञान योग के पंखों से उड़ने वाली परियां होती हैं, वो वहां रहती है। तो बच्चे ये परियां जब वहां रहती हैं तो देखो वहां कितने राजाएं हुए हैं ब्यूटीफुल, ज्ञान योग से बने ना। बाबा ने समझाया था, क्या समझाया था है? समझाया था कि बाबा की आत्मा तो प्योर है ना, है बाबा की आत्मा प्योर है, आत्मा प्योर है, तन कैसा है? ऐसे नहीं हो सकता है कि आत्मा प्योर हो और तन पतित हो। कौन बोला ये बात, कौन बोला? बाबा की आत्मा तो प्योर है ना, ब्रह्मा बाबा तो निराकार को याद करते हैं ना, तो उन्होंने उनको बाबा कह दिया। तो हुसैन हसीन हुए ना, अब तुम देखो तुम बच्चे प्योर बनते जाएंगे,
तुम्हारा शरीर कैसे मिलेगा? मिलता है ना सुंदर शरीर, उन शरीरों में कितनी कशिश रहती है। खिंचाव रहता है, क्यों? यहां के शरीरों में इतनी कशिश क्यों नहीं होती, वहां क्यों होती है? क्योंकि आत्मा आत्मिक स्टेज में होती है और यहाँ तो घड़ी घड़ी देह याद आती है, देह के संबंधी याद आते हैं, तो सारी कशिश संबंधियों में चली जाती है। अनेकों की याद से फिर आत्मा पतित बनती रहती है। तो एकदम प्योर आत्मा आवे तब तुमको पवित्र बनावे ना। तो आइए कैसे पवित्र बनाती है। कहते हैं माम एकम याद करो, औरों को याद मत करो। तो वो आत्मा आती है ना, जिसको परमात्मा कहा जाता है, कहां से आती है वो आत्मा? आती है जिसको परमात्मा कहा जाता है, उसके संग के रंग से, उसकी याद से तुम पावन बनेंगे। तो वो परमात्मा कब आती है? आत्मा है कब आती है? 1976 में आती है, 1936 में आती है। अरे तीसरा कहेगा नहीं, 1947 से आती है। तो एक बात बताओ पक्की, 1976 में आती है तो उसके संग के रंग से तुम पति से पावन बनने लगते हो। उन्नीस सौ छत्तीस में आती है परमात्मा की आत्मा, परमात्मा कहा किसे जाता है और परमपिता किसको कहा जाता है? कहते हैं परमपिता परमात्मा। कभी ऐसे कहते हैं परमात्मा परमपिता? जैसे कहते शिव शंकर, ऐसे कभी नहीं कहेंगे शंकर शिव। क्यों ऐसे कहते? शिव है परम पिता, फिर परमात्मा। आदम वाली आत्मा परमात्मा है, परमात्मा है, है। अरे पहचान लिया? कैसे पहचानेंगे? परमात्मा हीरो पार्ट धारी, परम माने परम, परम श्रेष्ठ। तो उसको पहचान कब जाए? जब उसमें जोर से कशिश होने लगे। धर्म पिताएं आते हैं तो उनमें कशिश होती है ना, आकर्षण होता है ना। तो वो आत्मा आती है और पहचान क्या बताई उसकी? जो देखे, जो सुने,
तो ऐसी आकर्षण होती है देखने वालों को, उनके शब्द सुनने वालों, दो शब्द भी सुनेंगे तो ऐसा उन शब्दों को सुनकर आकर्षण होता है कि वो सबकी पहचान में आ जाती है। कशिश होती है ना आत्मन, तो उनको परमात्मा कहा जाता है। तो वो आत्मा जब आए तब तुम पूरे बनो। तो कब आई? कहते कोई 36 में आई, कोई कहते 76 में आई। तो अठारह उन्नीस तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। बाबा ने समझाया, किसने समझाया है? समझाया किसने? अरे कौन सी बात है मैंने समझाया? शिव ने समझाया, उनको बाबा कहा जाता है। बाबा ने समझाया कि मैं आता ही तुमको फिर से असीम देवी देवता और पवित्र बनाने के लिए, निराकार साकार में प्रवेश करता है तो बाबा ही तो कहा जाता है। तो अभी उनका जो बच्चे जानते हैं वर्णन करना कि वो क्या है, है? जिसको परमात्मा कहा जाता है वो है सर्वगुण संपन्न। कहते हैं ऐसे है ऐसे है, तो बाबा यही कहते हैं सर्वगुण संपन्न बनने के लिए अपनी जांच करते रहो। मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है कुछ, तो ये जांच रोज करनी चाहिए। क्यों? क्या जांच करनी चाहिए? कि मैंने सारा दिन में ऐसे तो नहीं किया किसको जो कोई कहे इनमें ये अवगुण है, तो ऐसे आहिस्ते आहिस्ते करते करते कोई पढ़ाई तो पढ़ते हैं जरूर, टाइम तो जरूर लगता है, ऐसे ही कदम गुण थोड़े ही आ जाएंगे। ये पढ़ाई तो बड़ी लंबी चौड़ी है ना, और पढ़ाई एक ही है। अरे लंबी चौड़ी है और एक है, क्या पढ़ाई है? एक है? एक किस बात की पढ़ाई? अरे पढ़ाई है मैं आत्मा। अरे मैं आत्मा तो ठीक, लेकिन कौन सी आत्मा? क्या ड्रम में पार्ट बजाया है? पार्टधारी अपने पार्ट को ही ना जाने तो बेवकूफ फैक्टर हुआ ना। अब दुनिया में तो देखो पढ़ाई पढ़ते हैं तो कितनी किताबें ले जाते हैं। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी कितनी किताबें ले जाते हैं,
बड़े इम्तहान करने पास करने के लिए तो कितनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं। कहते हैं हमारा ऊंचे थे ऊंचा इम्तहान है तो किताब भी मोटी सी मोटी होगी ना। यहां भी तो तुम बच्चे ऊंचे थे ऊंची पढ़ाई पढ़ते हो ना, उस पढ़ाई में तो बहुत बहुत जज बनते होंगे और क्या बनते होंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कोई बन गया, उससे ऊंची कोई पदवी होती क्या? होती है क्या? क्या पदवी होती है? राष्ट्रपति तो आज चले कल उतार दिए गए, उनकी क्या पदवी? राष्ट्रपति पक्का जिंदगी में रहेगा है? कोई नहीं रहेगा। हाँ, एक राजाओं का इंद्र प्रसाद था। क्या था? राजाओं का इंद्र। कितने साल तक रहा है? लंबे साल तक रहा कि नहीं? बहुत लंबे साल तक रहा। जैसे नेहरू जी, उन्होंने जितना कुर्सी संभाली उतना और किसी ने संभाल पाई नहीं संभाल पाई। तो ऐसे होता है, कोई राजाई शुरू होती है ना तो पहले पहले सतोप्रधान राजाई होती है, तो लंबी उम्र होती है, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं तो वो प्रधान होते जाते हैं। अब बात है यहां ऊंचे थे ऊंचे इम्तहान और पढ़ाई की, उनका तो होता है चीफ जस्टिस बनना, ऊंची थी ऊंची पढ़ाई पढ़ी चीफ जस्टिस बन गए। अब फिर ये चीफ जस्टिस कोई एकदम तो नहीं बन जाते हैं, कोई बनते हैं नहीं? पहले छोटे जज बनेंगे, फिर उनकी तरक्की होगी, फिर अच्छा काम निकलेगा, अच्छा रिजल्ट निकलेगा तो उनको ऊपर चढ़ाते रहेंगे, और टाइम तो लगता है ना। पहले जज बनेंगे, फलाना बनेंगे, पीछे जा करके आस्ते आस्ते चीफ जस्टिस बनेंगे, रिटायर होने का टाइम आ जाएगा तो चीफ जस्टिस बनेंगे। क्योंकि जो चीफ जस्टिस का पोजीशन होता है वो तो लंबे समय की कुर्सी तो नहीं है, लेकिन जस्टिस तो रहा ना लंबे समय तक। और प्रेसिडेंट की कुर्सी, दोनों की पोजीशन मानी तो एक जाती है ना। क्या क्या करते हैं? चीफ जस्टिस किसी को फैसला सुनाएगा, प्रेसिडेंट उसे काट देगा, प्रेसिडेंट काटेगा चीफ जस्टिस फिर सुनाएगा, वो उसको काट देगा। तो दोनों की पोजीशन एक जैसी, क्योंकि वो उनको कसम उठवाते हैं कि हम सच्चाई से अपनी कुर्सी पर काम करेंगे, और वो उनको कसम उठवाते हैं कि हम सच्चाई से कुर्सी पर काम करेंगे। जब वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो चीफ जस्टिस कसम उठाते हैं, जब चीफ जस्टिस अपनी कुर्सी लेते हैं तो फिर प्रेसिडेंट उनको कसम उठवाएंगे। ये बात तुम बच्चों ने सुनी है ना? हाँ।
जब ये बड़े होते हैं, बाबा भी कभी कहते हैं ना, देखो ये बड़ा बाबा है क्या, कौन बड़ा बाबा है, किसको कहा, किसको कहा, ब्रह्मा के मुख से बोल रहे हैं। फिर देखो कैसे देखेंगे, इन आंखों से देखेंगे क्या कि ये बड़ा बाबा है या ब्रह्मा बाबा को कहते हैं बड़ा बाबा है? तो किसको कह दिया बड़ा बाबा, दिमाग को बड़ा बाबा कह दिया। ये बाबा है, ये शिव बाबा जैसे मालिक है, काय का मालिक, जैसे क्यों लगा दिया, काहे का मालिक है, विश्व का मालिक, तो जैसे क्यों लगा दिया, विश्व का मालिक मालिकाना करता है क्या, है हुकुम कंट्रोल चलाता है क्या किसी को कर, ऐसे नहीं है कि ये कोई इस दुनिया का मालिक है, नहीं तो मनुष्य समझे कि परमपिता परमात्मा तो इस दुनिया का मालिक है, परमपिता परमात्मा दुनिया का मालिक बनता है, जिसको कहते हैं परमपिता वो तो है शिव, वो मालिक बनता है दुनिया का, वो तो जिसे में प्रवेश करते हैं उसको भी आप समान बनाता है कि मालिकाना दिखाता है, है? तो देखो बाप मालिक है, फिर ऐसे क्यों कहते हैं ओबीडेंट सर्वेंट, गोदाम को मालिक बनाते हैं, तो मालिक फिर किसको कह दिया है, मालिक बनते थोड़े ही हैं, तुम कहेंगे, तुम कहते हो कि मालिक है इस दुनिया का, लेकिन क्या मालिक होता है, है? तो 767 की वाणी का 5वां पेज, अरे वो तो तुमको मालिक बनाते हैं ना, खुद मालिक बनते हैं क्या, इस दुनिया का मालिक बनते हो, तो देखो कितनी हुई हुई बातें बताते हैं, जो कहते हैं बाप मैं तुमको हुई बातें बड़ी समझने लायक बातें बताता हूं, क्या कि मैं जिसमें आता हूं उसको तो आप समान बनाता हूं, तो मैं राजा ही करता हूं क्या, तो आप समान बनाएगा तो वो राजा ही करेगा, हैं? वो भी नहीं करेगा, बच्चों को लायक बनाते हैं, तो ये मनुष्य लोग हैं जो गाते रहते हैं क्या,
कि परमात्मा तो दुनिया का मालिक है, लेकिन क्या परमात्मा दुनिया का मालिक बनता है कि तुम बच्चों को बनाता है? तुम बच्चों को बनाता है, हाँ, यहां इस दुनिया का मालिक नहीं है, बाकी सारी सृष्टि का मालिक है। क्या कहा है? कौन? परमात्मा। और सृष्टि भी तो दुनिया को कहा जाता है ना, दुनिया भी कहा जाता है और विश्व भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? विश्व भी कहा जाता, दुनिया भी कहा जाता। विश्व तब कहते हैं जब विश्व धर्म आ जाए, सारे ही धर्म इस सृष्टि पर आ जाए, विश्व कहा जाता है। और दुनिया तो सतयुग में भी दुनिया तो नहीं कहेंगे, है? लक्ष्मी नारायण सतयुग में होते हैं, उनको सतयुग का मालिक कहेंगे या दुनिया का मालिक कहेंगे? सतयुग के मालिक हुए ना। विश्व तो कहेंगे नहीं। तो ये कोई को मालूम है जो मां बोलते हैं और बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि मैं इस दुनिया का मालिक नहीं बनता हूं, मैं इस विश्व का मालिक नहीं हूं, इस लगा दिया इस माने जो वर्तमान में है मैं उसका मालिक नहीं हूं, इस सृष्टि का मालिक नहीं हूं, यहां भी इस लगा दिया। माना माना जो आगे आने वाली सृष्टि है, नई दुनिया होगी, और उसके आगे जो भी पुरानी दुनिया होगी, उस सारी सृष्टि में मेरा मालकाना चलेगा, परमात्मा का, जिसे शिव बाबा कहा जाता है। बोला ना, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है। तो देखो, ऐसे कोई समझ सकते हैं? और अभी कैसे यथार्थ अच्छी रीति से खोल करके बताते हैं, क्या कि बरोबर हम इस दुनिया का मालिक नहीं। कहीं का है कि नहीं? सारी सृष्टि की बात बताई, बाकी इस दुनिया का मालिक नहीं, सृष्टि का मालिक हूं। और सृष्टि में तो चारों युग आते हैं, बराबर हम नहीं है, यहां तो तुम बनते हो, तुम मालिक हो, तुम मालिक बनते हो, और फिर सृष्टि का राज में विश्व का भी मालिक बनते हो। नंबर बार पुरुषार्थ, पीछे क्या होता है? पीछे देखो, राजा ही गवाही देते हो, तो फिर पीछे से बाप आकर के तुमको फिर विश्व का मालिक बनाते। तो विश्व माना क्या हुआ? विश्व माना ये सारी सृष्टि है, जो सारी सृष्टि है, जब मैं आता हूं तो सारी सृष्टि मौजूद होती है ना इस दुनिया में। ऐसे नहीं किसी देवताएं ही होते हैं,
त्रेता की छत्री आत्मा ही होती है। द्वापर के ऋषि मुनि होते हैं नहीं, सारी दुनिया मौजूद होती है। तो फिर मैं विश्व में आकर के शांति स्थापन करता हूं। तो इसको कहा जाता है विश्व सृष्टि दुनिया वगैरह, इसको कहा जाता है। और मूल वतन को तो ये अक्षर नहीं देंगे ना, दुनिया सृष्टि। वहां सृष्टि होती है क्या? सृजन कार्य होता है क्या? बच्चे पैदा किए जाते हैं क्या? नहीं। सूक्ष्म वतन में तो है ही बात उनकी, फिर उनकी तो बात ही नहीं, इतनी कोई बात नहीं है। और फिर वो तो है ही मूल वतन, वहां से तुम यहां आते हो। पार्ट बजाने के लिए जब रंगमंच पर पार्ट बजाने जाते हैं स्टेज पर, तो कपड़े बदलते हैं ना, वो घर वाले कपड़े पहन के पार्ट बजाते हैं ने? और यहां तो तुम्हारा घर ही ऐसा है आत्माओं का कि वहां कोई कपड़ा तो होता ही नहीं है? तो क्या नंगे रहते हैं? नंगे रहते हैं। अच्छा, यहाँ आते हैं, यहाँ आकर के 84 जन्म में 84 का चक्कर लगाते हैं, फिर वहां जाते हैं। फिर नहीं जा सकते हो, कोशिश तो करते हैं जा रहे हैं, फिर नहीं जा सकते हो तो बाप को आना पड़ता। गुरु कहते हैं ना, पार निर्वाण गया महात्मा बुद्ध, कहते रहते हैं गया थोड़ी, वो गया होता तो अपने फॉलोअर्स को भी ले जाता। तो सब यही जन्म मरण के चक्कर में आते रहते हैं। कोई भी धर्म पिता हो, बड़े से बड़ा धर्म गुरु हो, कोई भी इस दुनिया को छोड़ करके नहीं जा सकता अपनी इच्छा से, तो फिर बाप को आना पड़ता है। किस लिए आना पड़ता है? ये बात समझाने के लिए। क्या बात समझाने के लिए? कि तुम वहां से बिंदु आत्मा आए थे, निराकारी आत्मा आए थे, और यहां तुमको देवान बढ़ गया क्या? ये कि इंद्रियों का संग का रंग लग गया, तुम अपन को इंद्रियां समझने लगे, देह समझने लगे, तो देह के साथ वापस कैसे जावेंगे? समझने की बात है ना। तो यहाँ इस सृष्टि पर आते हो तो यहाँ बीच में आकर सब बातें भूल जाते हो। क्या? कि भाई नंगे आए थे तो नंगे ही वापस जाएंगे। ड्रामाबाजी के कपड़े हैं ये थोड़े कोई ले जाने देता है। तो बीच में तुम सारी बातें भूल जाते हो, ये चित्रों वगैरह की बातें भी तुम भूल जाएंगे। सतयुग में तुम्हें ये थोड़ा ही याद रहेगा कि ये चित्रों में ये पढ़ाई हमने पढ़ी थी। तो बाबा समझाते रहते हैं, तुम नंगे आए थे, नंगे आए थे, तुम कौन? तुम कौन? आत्मा। आत्मा
जब शरीर धारण करती है इस सृष्टि में तो आत्मा कही जाती है या क्या कही जाती है, क्या कहते हैं इसे? आत्मा है, नंगी आती है इस सृष्टि पर, शरीर धारण करती है, तो उनको क्या कहते हैं? भूल गए है, जीव आत्मा मना परम नाम में आत्मा कुछ काम तो कर नहीं सकती। जैसे तुम सो जाते हो तो कुछ काम करते हो क्या? गहरी नींद में सो जाते हो तो कुछ काम थोड़ा ही होता। तो ऐसे ही इस सच्ची रूपी रंगमंच पर तुम पार्ट बजाते बजाते 84 का चक्कर लगाते लगाते थक जाती हो तुम्हारी आत्मा, तो फिर मैं आता हूँ तुमको घर ले जाने के लिए, आराम करो सो जाओ। तो अभी से नहीं सोना शुरू कर देना, आ करके पहले पहले इसे देवान को बुलाते हैं। क्या करते हैं? देवान को बुलाते हैं। हाँ, कहते हैं अब आपने ये प्रारब्ध पाई ना, क्या प्रारब्ध? कि आत्मा को भूले और क्या प्रारब्ध पाई? अरे कुछ पाया कि नहीं? हाँ, आत्मिक स्टेज पाई और देवान को भूल गए। तो जो प्रारब्ध पाई वो अभी तुमको मिल रही है ना, कल पहले भी ऐसे मिली थी, अभी तुमने वो प्रारब्ध गंवाई थी। क्या? जो आत्मिक स्थिति की प्रारब्ध मैंने बनाई थी कल पहले, वो तुमने अभी कलयुग के अंत में आकर के अंतिम जन्म में पूरी ही गंवाई दी। ठीक है ना बच्चे? ये प्रारब्ध कैसे घुमाई है? कैसे घुमाई? अरे 84 जन्मों में चक्कर लगाते लगाते तुमने ये प्रारब्ध कैसे घुमाई आत्मिक स्थिति की, जबकि सत्युग त्रेता में भी आत्मिक स्थिति में रहते थे। हाँ, ये अभिमानी धर्म पिताओं के संग के रंग में आए तो ये आत्मिक स्थिति भूल गए। तो ये सब बातें बाप बेटे अच्छी तरह से समझाई रही है। अब फिर से तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराता हूं है? किस बात का? किस बात का पुरुषार्थ? पहला पहला अपन को आत्मा समझो, उस प्रारब्ध के लिए तुमको पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। जो प्रारब्ध तुमने गंवाई दी है, और गंवाई किससे है? किससे गंवाई? जिसका नाम क्या दिया? अरे जिससे राग गंवाई है उसका नाम भी तो मालूम होना चाहिए, वो भी तो बाप आकर बताते हैं ना। माया ने, माया अकेला काम करती है। माया के साथ कोई आदमी पुरुष नहीं होता है, रावण ने, तो कहते हैं माया रावण ने गवाई। एक ने नहीं गवाई, दो ने गवाई है? दो ने गवाई, हाँ दो ने गवाई, इसीलिए तो रावण का चित्र बनाते हैं, दिखाते हैं ना रावण के 5 मुख, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो कौन कौन से मुख हैं? अरे मुख बनाया, चित्र बनाया, तो कोई चरित्र करने वाला भी होगा ना, तो कौन है 5 बता? जो भी बता देते हो है? अरे
प्रकृति के पांच रूप पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश और रावण के पांच विकार मिला करके उनको रावण नाम दे दिया। बाकी ऐसे कोई दस सिर वाला आदमी थोड़ा ही होता है, है? ये सब मिलकर के रावण राज्य बनाते हैं। क्या प्रकृति जड़ बुद्धि वाली है या चेतन बुद्धि वाली है? है जड़त्वमयी बुद्धि है तो रावण संप्रदाय का संग ले लेती है। अगर है सालिम बुद्धि हो तो रावण के चक्कर में ना फंसे। है जड़ बुद्धि है तो रावण के चक्कर में आ जाती है। रावण कौन हुआ फिर? एक नहीं है कोई। अरे भाई दस सिर अलग अलग दिखाए हैं तो दस मिलकर के काम करते होंगे ना। जैसे कहते हैं ब्रह्मा ने षष्ठी रची तो ब्रह्मा को मुख दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? है तो क्या पांच मुख होते हैं? होते हैं पांच मुख ब्रह्मा को। है उनकी परंपरा में उनकी पीढ़ी में कोई पांच मुख वाला है आदमी आजकल? कोई नहीं। ये तो कवियों की कल्पना है, उस कल्पना के आधार पर उन्होंने चित्र बना दिया कि ये दसों मिलकर के आपस में एकजुट हो जाते हैं और सारी सृष्टि पर राज्य करते हैं। तो अभी तुमको पता पड़ा कि राजाई मिली किससे और गवाई किससे। बेहद का बाप तुमको राजाई देते हैं और रावण तुमसे छीन लेते हैं। तो अब ये ड्रामा बना हुआ है, ला बना हुआ ड्रामा। क्या कि हार होगी तो जीत भी जरूर होगी और जीत होगी तो हार भी जरूर होगी। ये दुनिया हार जीत की दुनिया है, खेल है रावण का राम का। तो रावण द्वारा हार है? क्यों हार? क्योंकि वो दुश्मन है ना, तो वो हरा देता है। दुश्मन सामने आते ही किस लिए? हराने के लिए। तो रावण हरा देता है। तो कौन कौन मुख आए दुश्मन बन के? रावण बन करके उनके मुखे मुखिया के तो नाम बता दो। अरे एक दो का नाम बता दो तो बाकी बाकी फिर हमें याद आ जाएगा। हाँ काम, अरे काम तो विकार का नाम है। मुख है तो कोई चरित्र करने वाला व्यक्ति होगा ना, हाँ? कोई बड़ा होगा ना। कहते हैं ना बड़ा जैसा कर्म करेगा छोटे उसको देख करके वैसे ही कर्म करेंगे। तो काम विकार को सबसे जास्ती अपने जीवन में उतारने वाला इस्लामी तो ढेर सारे, क्रिश्चियन 200-250 करोड़ है। नाम नहीं बताते, डर लगता है कल हमको पकड़ेंगे। इब्राहिम, हा तो पहला आया इब्राहिम, उसने ये सिखाया काम विकार की बात। तो ये दुश्मन बना। फिर उसके बाद दूसरा दुश्मन कौन आया है? तो उसका चेहरा दिखाते हैं ना, चित्र बनाते हैं। क्राइस्ट आया, क्रोध। तो ये काम क्रोध लोभ मोह, लोभ को
जिन्होंने लोभ के लिए दुनिया भर के अत्याचार किए, मारकाट मचाई, बड़े बड़े युद्ध किए, भारत में खूब आक्रमण किए, लूट लूट के ले गए लोभ के कारण ना। तो कौन? मोहम्मद। तो चलो तीन हुए, फिर आओ और कौन? मोह। मोह किससे होता है? देहधारियों से मोह होता है। तो उनको मोह आया कि सारी सृष्टि के देहधारियों को इकट्ठा कर ले। तो उन्होंने ऐलान कर दिया क्या, ये मोही जो होते हैं ना, वो किस बात का मोह होता है उनमें कि हमें ज्यादा से ज्यादा वोट मिल जाए। क्या कोई धर्म को मानो या ना मानो, धर्म निरपेक्ष राज्य हम चलाते हैं, हमें धर्म की किसी की चिंता नहीं, कोई धर्म ग्रंथ की भी हम बात मानेंगे नहीं। क्या क्या करेंगे, हमें तुम लोग दे दो ऐसे जो वोट दे हमको। तो लोगों का मोह आ जाता है। तो ये मोह का दुश्मन हो गया। उसका मुखिया का नाम नहीं बताया है, महर्षि दयानंद। कहते हमने बड़ी दया की लोगों में, कोई क्रिश्चियन हो आ जाए हिंदू बन जाए भारत में, कोई मुसलमान हो क्या आ जाए भारत में, हम उसको हिंदू बना लेंगे। तो बड़ी दया करते हैं, तो नाम रख दिया। दया करने में बड़ा आनंद आता है क्या, और अपना टाइटल भी रख दिया महान ऋषि महर्षि। कितना बड़ा ऋषि आया। अभी तुम बच्चों को समझाया है क्योंकि तुम्हें पोल पट्टी का पता चल गया ना रावण का, क्या समझाया है कि रावण को रामलीला खेल खेल करके नाटकबाजी करके क्यों मारते हैं। अभी तुम्हें समझ में आया राम को क्यों नहीं मारते, रावण को क्यों मारते हैं? है क्योंकि राम को एक मुख और रावण को अनेक मुख, वो झूठा है, अनेक बातें करता है, एक बात झूठे बोलेगा उसके पीछे पीछे दूसरी 10 बातें झूठ बोलेगा। तो कोई बात सच्ची नहीं निकलती उसकी, कोई बात कोई रास्ता पर लोग चलेंगे तो जिंदगी में रोएंगे। तो उसका नाम है रावण, रोगाने वाला। तो समझ में आ गया कि रावण को क्यों मारते हैं रामलीला में। और फिर सिर्फ मारते ही नहीं है, मार मार के उसको आग लगा के जलाते हैं। क्या है? अच्छा, तो अभी ये ब्रॉड ड्रामा तो समझ लिया कि ब्रॉड ड्रामा में ऐसे ऐसे भी होता है कि आधी दुनिया में राम राज्य चलता है सतयुग त्रेता में, और आधी दुनिया द्वापर कलयुग में, जिसे द्वैतवादी द्वापर कहा जाता है उसमें रावण चलता है, वो रावण का राज्य चलता है। द्वैतवादी कहते हैं इसलिए कि दूसरे दूसरे धर्म आ जाते हैं, दूसरे दूसरे राज्य आ जाते हैं, दूसरे दूसरे कुल है, दूसरी कुल की मर्यादा है, दूसरी कुल भाषाएं आ जाती है, तो द्वैतवाद चालू हो जाता है। सतयुग त्रेता में स्वर्ग में ऐसा नहीं होता, वहां पढ़ाने वाला भी क्या, उस स्वर्ग की पढ़ाई पढ़ाने वाला भी एक था और धर्मपिता भी एक था उस दुनिया में, और भाषा भी एक थी और कुल भी एक कुल चलता था और मतें भी एक मत। ऐसे नहीं आज की दुनिया जैसी बन गई, एक ही घर में किसी घर में चले जाओ
एक कांग्रेस को वोट देने के लिए लड़ाई लड़ेगा, दूसरा कहेगा जनता पार्टी को वोट देना चाहिए, आपस में लड़ाई लड़ पड़ेगा, तीसरा कहेगा नहीं बहुजन समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहिए। तो कितनी लड़ाइयां घर घर में पैदा करती इस रावण ने। बाप आते हैं, रावण का रूप तुम्हें बताई देते हैं, उसकी पोल पट्टी सारी खोल देते हैं। तो अब तुम्हारी समझ में आ गया, और ये बातें किसी को दुनिया में समझ में नहीं आती। और यहां ये पाई पैसे की बात तुमको बता देते हैं, क्या तुम्हारी समझ में आ जाती है? ओम शांति।